सुधीर चौधरी गाजियाबाद से। गुरुजी, मेरे बेटे नवी चौधरी का NNC में इंटरव्यू फाइनल हो गया है आपकी कृपा से। बहुत अच्छा हुआ है फाइनल इंटरव्यू उनका। आशीर्वाद दें गुरुदेव कि वो सफल हो। वो सफल हो चुके हैं, चिट्ठी जाके ले लो बस, जिस दिन जाना हो। सब काम उनका हो चुका है, बहुत बधाइयाँ और आशीष आपके लिए, खुश रहिए। सुधीर चौधरी गाजियाबाद। गुरुजी, इन्होंने आपसे व्यक्तिगत अनुष्ठान 17 अप्रैल 2024 को करवाया था, साथ ही इन्होंने आपकी सारी कार्यशाला, एकल सिद्धि कार्यशाला, ये सब अटेंड करी थी और होता भी बने थे होली के अनुष्ठान में। गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपके आशीर्वाद से इनके बेटे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है और इनका ऑफर लेटर भी 14 मई को आ चुका है। इसके संदर्भ में इनकी श्रीमती मंजू चौधरी जी ने आपको एक संदेश भेजा है। ओम नमस्कार गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैंने अपने बेटे लवी चौधरी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगा था और गुरु जी, हम सह परिवार अनुष्ठान के लिए 17 अप्रैल 2024 को आश्रम आए थे। गुरु जी, खुशी की बात यह है, 14 मई को उसके 4 राउंड कठिन परीक्षा के बाद चयन एक प्रतिष्ठित MNC में हो गया है। पिछले लाइव में भी आपसे हमने उसके लिए आशीर्वाद मांगा था और गुरुजी, अगले ही दिन उसका ऑफर लेटर आ गया और गुरुजी, आपकी कृपा से यह संभव हो गया। मैंने और मेरे पति ने बोला था, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, तेरा चयन कंफर्म है। गुरुजी, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लाइव आने का। गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। मंजू चौधरी, हाँ, बहुत शुभकामनाएं सुधीर जी को, मंजू को, आपके बेटे लवी को। मुझे याद है आपने उस दिन कहा था और मैंने कहा था कि जाकर के आप चिट्ठी ले आएँ। शायद उसके नेक्स्ट डे आपको लेटर मिल भी गया। बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप इतने समय से लगे थे इसमें। फिर से जो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि इसकी सफलता का श्रेय आपकी शिद्दत, डिटर्मिनेशन, समर्पण, आस्था, विश्वास, संशय रहित हृदय और पूरे मन से, पवित्रता से, सहयोग से, पूरे समर्पण के साथ जो आपका हृदय है वो बहुत सारे परिणामों को पैदा करता है। कुछ लोग जो बहुत सारी इच्छाओं के साथ आते हैं, हमें उन्हें देखने से प्रतीत हो जाता है कि इनके काम में रुकावट आ सकती है या शायद इनका काम नहीं होगा, क्योंकि वो उनके मन में जितना उनके मन में जैसे 4 खाने हैं। एक खाना विश्वास का है, एक खाना कर्म का है, एक खाना खर्चे का है, एक खाना श्रद्धा का है। तो इनमें से उनके खानों में डिसबैलेंसेस बने रहते हैं, डिसबैलेंसेस। और कभी कभी डिसबैलेंस अगर 75% हो गया तो आपका रिजल्ट जो है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसमें तो डिटर्मिनेटेड हृदय चाहिए। और आप सभी को मैं जानता हूँ, मैं अच्छे से पहचानता हूँ और मुझे समझ आ गया कि आपने पूरी शून्यता के साथ इस कार्य को किया है। जो शून्य है उसको ही कुछ दिया जा सकता है। जो पात्र रिक्त है, खाली घड़े में ही तो कुछ भरिएगा, खाली बर्तन में ही तो कुछ डालिएगा। जिसमें पहले से भरा हुआ है, चाहे वो डाउट ही क्यों ना हो, अगर पहले से ही भरा है, चाहे वो संशय और संदेह ही क्यों ना हो, जो भी उसके ऊपर डालोगे वो या तो बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा या उसमें अंदर जाएगा ही नहीं। तो इसमें तो बिल्कुल बच्चों जैसे हृदय लेकर आते हैं। शास्त्र कहता है कि जिनके हृदय शिशुओं के समान हैं, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो, वो परमात्मा के जगत में प्रविष्ट होते हैं, ईश्वर उनको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि अंततः जितनी भी तरह की क्रियाकलाप हैं, जितने भी तरह के कर्म कांड हैं, जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं, जितने भी उपाय हैं, जितने भी विधि विधान हैं, जितने भी तरह की टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रकार के गुर हैं, वो प्राथमिक बिंदु हैं, लेकिन उनसे भी प्राथमिक आपकी आस्था और विश्वास है। अगर आप ये सोचकर करते हैं कि आजमा कर देखेंगे तो नहीं होगा आपका काम, और आप ये मानकर चलेंगे कि मेरा तो अंतिम संबल यही है, यही तिनका है
जो मुझे डूबते हुए को बचा सकता है, ये मेरा उपाय ही मेरा ऐसा तिनका है जो मेरे लिए वट वृक्ष बन सकता है, तो निश्चित तौर पर आप कामयाब होंगे। आपको सफलता मिली, आप जिस उद्देश्य से आपने अपना व्यक्तिगत अनुष्ठान कराया उसमें आप कामयाब हुए, जिस वजह से आपने सारी चीज़ें की उसमें आपको सफलता मिली, ये प्रसन्नता की बात है। और ये हमें भी जब ये फीडबैक मिलते हैं तो हम उस बात की प्रतिपुष्टि करते हैं जिस विचार को लेकर हम प्राथमिक रूप से आपके साथ साक्षात्कार कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, विचार विनिमय कर रहे होते हैं, आपस में संबंध की स्थापना कर रहे होते हैं, उसकी ओर परिपुष्टि होती है, उसको और मजबूती प्रदान होती है। पुनश्च हार्दिक आशीष, बहुत शुभकामना। Yeah.